इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज जिस तरीके से हम लगातार वीडियोस आपके सामने लाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कहानियों से जुड़ी हुई, आज एक धार्मिक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। देश का एक ऐसा मंदिर अब बनाए जाने की तैयारी है जो अपने आप में अनूठा होगा, अनोखा होगा। जी हाँ, बनेगा ये राजस्थान के झुंझुनू में और इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर मतलब भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं अलग अलग जगह, जिसमें तमिलनाडु में रामेश्वरम की बात तो आपने सुनी हुई होगी, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में जिसकी हम बात करते हैं, सादी केदारनाथ उत्तराखंड में मौजूद है, इसी तरह से नागेश्वर की बात हम कर रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में मौजूद होंगे और बाकायदा इनका एक मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन खास बात क्या है, मंदिर तो बनते ही रहते हैं, खास बात यह है कि ये मंदिर होगा भारत के नक्शे के आकार का। जी हाँ, पूरे मंदिर को अगर ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जमीन पर भारत का नक्शा पूरा बना हुआ है और उसी भारत के नक्शे के हिसाब से जहां जहां पर जो जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है वहीं पर उस ज्योतिर्लिंग का मंदिर एक छोटे स्वरूप में इस मंदिर में, इस मंदिर का एक हिस्सा होगा। 17 बीघा जमीन होगी जिसमें ये पूरा मंदिर बनेगा। 17 बीघा एक बड़ी जमीन पर भारत का नक्शा बनाकर ये मंदिर बनेगा। न केवल भारत का नक्शा होगा, भारत के नक्शे का जो पश्चिमी और दक्षिणी और ये बंगाल की खाड़ी जैसा जो रूप है वहां पर एक समुद्र भी बनाया जाएगा, एक पानी का एक पूरा एक ताल जैसा बनाया जाएगा जिससे कि समुद्र का एहसास हो। इसी कृत्रिम समुद्र के ऊपर से रास्ता होगा इस मंदिर में प्रवेश का और आप एक एक करके प्रवेश जो होगा वो तमिलनाडु रामेश्वरम की तरफ से प्रवेश होगा, वहां से आप एक एक करके पूरे मंदिर को देखेंगे, घूमेंगे, जानेंगे। यहाँ पर एक भगवान हनुमान का भी एक विग्रह स्थापित किया जाएगा और गणेश जी का भी एक मंदिर होगा और साथ ही वैष्णो देवी जो कि जम्मू में कटरा में वैष्णो देवी का तीर्थ है, मंदिर है, वो वैसा ही एक मंदिर ठीक इस भारत के नक्शे जैसी जमीन पर जहां पर जम्मू कश्मीर पड़ रहा होगा वहां पर वैष्णो देवी का भी एक मंदिर यहां पर बनाया जाएगा। 28 मई को इसके भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और इस मंदिर का आकार अब इसको अपने आप में खास तो बनाएगा लेकिन जो लोग यहां पर पहुंचेंगे वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के स्वरूपों के उसी रूप में दर्शन यहां पर भी कर पाएंगे और कर सकेंगे। अलग अलग जगह द्वादश ज्योतिर्लिंग को देखने की जाने की जगह इस झुंझुनू में मौजूद इस मंदिर को भी लोग देखकर उन्हीं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। तो एक अनोखा अनूठा प्रयास, नया प्रयास, उम्मीद है बहुत जल्दी अस्तित्व में आएगा, बहुत जल्दी आकार लेगा और तब आप भी जो हमारे दर्शक हैं इस मंदिर को झुंझुनू राजस्थान के झुंझुनू में जाकर देख कर आ पाएंगे। जी हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इस कोशिश पर जो मंदिर बनाए जाने की तैयारी है और जिसका भूमि पूजन 28 मई को होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।